चट्टान की तरह अडिग, पानी की तरह निर्मल, धरती की तरह सहज और सरल, सादगी की मिसाल मनोहर पारिकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विशेष, मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। एक बड़ा राजनीतिक शून्य इस देश में छोड़ के जा चुके हैं मनोहर पारिकर। उन्होंने अपनी जिंदगी में हर परिस्थितियों का डटकर सामना किया और आखिरी सांस तक गोवा के लिए खड़े रहे। अपने उसूलों पर अडिग रहने वाले मनोहर पारिकर, कल शाम करीब 8 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। बीते एक साल में उन्होंने जिन परिस्थितियों का सामना किया, अक्सर उन परिस्थितियों में आकर आम आदमी टूट जाता है, लेकिन मनोहर पारिकर उन आम लोगों में से नहीं थे, बल्कि वो तो एक ऐसी हस्ती थे जो बीते एक साल से कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का बोझ अपने कंधों पर उठाकर जन कल्याण के लिए उस गति से दौड़े कि कोई उनके जज्बे के आसपास भी नहीं नजर आता। बता दें, देश के रक्षा मंत्री तथा गोवा के मुख्यमंत्री रहते हुए भी मनोहर पारिकर केवल इकोनॉमिक क्लास से ही यात्रा किया करते थे। गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री की आवास में स्थानांतरण को अस्वीकार कर दिया था और अपने घर में ही रहने की पेशकश की थी। वो किसी भी भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री बनने से पहले एक IITian थे। उन्होंने अपनी मुख्यमंत्री पद की शपथ 14 मार्च 2017 को ली, लेकिन उससे पहले वह 2000 से 2005 तक और 2012 से 2014 तक वे गोवा के मुख्यमंत्री के साथ साथ ही बिजनेस सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रह चुके थे। फिर 2014 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में रक्षा मंत्री का पद प्रभार संभाला। क्या पक्ष क्या विपक्ष, हर कोई शोक में डूबा हुआ है। हर नेता, हर इंसान अपने अपने तरीके से उन्हें याद कर रहा है। आपको बता दें, उनके निधन के बाद पूरे गोवा में 7 दिन के राष्ट्र शोक की घोषणा की गई। पारिकर जी की हालत 2 दिन से बेहद नाजुक थी। रविवार को उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। उन्हें फौरन निजी अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने उनकी हालत संभालने की कोशिश भी की, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। राजनीति में रहने के बावजूद उन्होंने अपना जीवन एक साधारण व्यक्ति के तौर पर जिया। उनके निधन से हर कोई स्तब्ध है। गोवा का हर बाशिंदा अपने नेता के रुखसती पर रो रहा है। बता दें, 2014 से 2017 तक रक्षा मंत्री रहे मनोहर पारिकर। ये वही काल था जब भारतीय सेना ने म्यांमार की धरती पर जाकर आतंकियों का सफाया किया था। इसी दौरान 29 दिसंबर 2016 भी आया, जब भारतीय सेना के जाबाजों ने कश्मीर में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को नष्टे नाबूद किया। ना सिर्फ नष्टे नाबूद किया, बल्कि तबाह कर सुरक्षित वापस भी लौटे। जिंदगी के आखिरी वक्त में भी वो लड़ते रहे, अपना जोश दिखाते रहे। इसका अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं। हाल ही में गोवा का बजट पेश करते समय मनोहर पारिकर जी ने कहा था कि परिस्थिति ऐसी है कि बजट पेश नहीं कर सकता, लेकिन अभी भी मेरे अंदर वो जोश है, वो जुनून है। How is the josh? How is the josh? ऐसी शख्सियत की याद में आज तिरंगे ने भी अपना सर झुका दिया है। इंसानियत की मूर्त मनोहर पारिकर को देश हमेशा एक बेहतर राजनेता और एक बेहतरीन व्यक्तित्व के रूप में याद करेगा। न्यूज़ विशेष की तरफ से मनोहर पारिकर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और भी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देश विदेश और अपने राज्य से जुड़ी खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अगर आप फेसबुक पर न्यूज देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। न्यूज विशेष प्योरों।